पिछले लेक्चर में हम लोग एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बिहेवियर। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं साइकोलॉजिकल, जो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए वो साइकोलॉजिकल होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं क्या होता है, नीड फॉर अचीवमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर मोटिवेट द को वर्कर टू कंट्रीब्यूट देयर बोस्ट फॉर द एंटरप्राइज एंड मोटिवेटिंग द कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट एंड सर्विस और सम फिजियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योर बिहेवियर। तो साइकोलॉजिकल में यहाँ क्या देख रहे हैं कि अचीवमेंट का इनको नीड होता है कोई भी एंटरप्रेन्योर के, जिसके कारण ये क्या करते हैं मोटिवेट करते हैं को वर्कर के, जो इनके साथ काम करेगा उनको मोटिवेट करेंगे, जिसके कारण वो कंट्रीब्यूट करेगा, वो अपना अच्छा देगा, अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा और फॉर द एंटरप्राइज एंड मोटिवेट करेंगे कस्टमर, जो भी कस्टमर आएंगे उनको भी मोटिवेट करते हैं परचेज करने के लिए जिसके कि वो खरीदे, और द प्रोडक्ट एंड सर्विस और सम फिजियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द एंटरप्रेन्योर बिहेवियर। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड हम लोग देख रहे हैं सोशियोलॉजिकल, एक एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए सोशियोलॉजिकल होना चाहिए। तो ये क्या होता है, द सोशल नॉर्म्स प्रोग्रेसिव और अदरवाइज इन विच पीपल आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप द वर्क एनवायरनमेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इटीसी कंट्रीब्यूट टू द एंटरप्रेन्योर बिहेवियर। तो ये एक तरह से इसको हम मिथ मान सकते हैं क्योंकि सोशियोलॉजिकल बिहेवियर बोला जाता है कि मतलब बॉर्न होते हैं एंटरप्रेन्योर और बॉर्न ऐसा, हालांकि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि द सोशल नॉर्म प्रोग्रेसिव और अदर इन विच पीपल आर बॉर्न, ये एक मिथ ही होगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अदर है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में भी बोला जाता है कि मतलब अच्छा उनके पास होना चाहिए, अच्छा फंड होना चाहिए, अवेलेबल फंड यहाँ पे देख सकते हैं, फैसिलिटी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मार्केट कंडीशन इटीसी सब अच्छा होना चाहिए। इटीसी डिटरमाइन वन एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर। तो ये भी बोला गया है इकोनॉमिक वगैरह अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो ऐसा माइंड सेट नहीं लेकर के चलना चाहिए कि एक सोशियोलॉजिकल पर्सन रहेगा वो वहीं बनली बिजनेस में अच्छा करेगा, या जिनके पास अच्छा इकोनॉमिक होगा वो अच्छा करेंगे। तो आगे यहाँ पे देखते हैं क्या है, उसके बाद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये हो सकता है मैनेज अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैनेजमेंट क्या, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए, स्टाफिंग लीडिंग कंट्रोलिंग होना चाहिए, कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड एंटरप्रेन्योर बिहेवियर। उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो अच्छा होना चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, देखते होंगे किसी भी दुकान पे शॉप पे जाते होंगे तो वो उनका जो वॉइस होता है उसमें लगता है कि वो कोई शक्कर घोल के बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं एबिलिटी टू कलेक्ट इंटरप्रेट, उसके बाद अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग विथ द डिसीजन, एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ द को वर्कर सप्लाई एंड क्लाइंट और इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे यही है कि कम्युनिकेशन इनका जो होना चाहिए एक अच्छा होना चाहिए, को वर्कर के साथ अच्छा कम्युनिकेट करे, सप्लायर के साथ या कोई भी क्लाइंट आ रहे हैं उनके साथ, बैंक वगैरह ये सब जाएँ तो अच्छे से बात करें। उसके बाद यहाँ पे टाइम अवेयरनेस, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टार्ट द वेंचर, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस और मार्केटिंग टाइम, पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्सेस आर इम्पोर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर। तो टाइम अवेयरनेस होना चाहिए किसी भी एंटरप्रेन्योर के, क्योंकि देखते होंगे अक्सर जो कोई भी न्यू प्रोडक्ट आते हैं तो कोई फेस्टिवल पे जैसे दीपावली होली पे आते हैं ज़्यादातर ये ऑफर दिया जाता है, तो उससे उनका जो कोई भी बिजनेस होता है वो जल्दी मतलब पूरे एरिया में फैल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं प्रोफाइल ऑफ एंटरप्रेन्योर, कोई भी एंटरप्रेन्योर का क्या क्या प्रोफाइल होना चाहिए, क्या क्या करेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक पॉजिटिव,
पॉजिटिव होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर का फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कोई भी रिजिड पर्सन है कि हाँ देखते होंगे कि इतना में अगर बोल दिए इतना का ये सामान है तो इतना में ही लीजिए ना तो जाइए, ऐसा नहीं होता है। वो लोग जान करके बढ़ा करके बोलते हैं, फिर प्राइस को नीचे करते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबल करेक्टर होता है और डिस्पोजिशन टुवर्ड्स चेंजेज होता है, ये कोई भी बदलाव करने में ऐसे शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं। और सीइंग इवेंट आर नॉर्मल एंड एज अ अपॉर्चुनिटी रेदर देन द प्रॉब्लम। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, ना कि उसे प्रॉब्लम की तरह। उसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड पॉइंट है सी चेंजेज एज ए सिक्योरिटी बॉर्न ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एट ईजी इन डीलिंग विथ रिस्क डिफिकल्टी एंड द अननोन। उसके बाद थर्ड पे देख रहे हैं, हैव द कैपेसिटी इनिशिएट क्रिएटिव आइडिया। क्रिएटिव आइडिया डेवलप करने की इसमें कैपेसिटी होती है। डेवलप एंड सी देम ब्रॉट इनटू द एक्शन इन डिटरमाइंड मैनर। फोर्थ पे देख रहे हैं, अनएक्सेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एबिलिटी ऑफ टू द सॉल्व प्रॉब्लम। फिफ्थ पे देख रहे हैं, एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर नेगोशिएशन इन्फ्लुएंस प्लानर एंड ऑर्गेनाइजर। तो ये सब उनका प्रोफाइल होता है, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, नेगोशिएट अच्छे से करे, इन्फ्लुएंस करे, कोई भी जो कस्टमर आ रहे उन्हें इन्फ्लुएंस करे किसी भी सामान के प्रति, और प्लानर होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजर भी होना चाहिए। उसके बाद एक्टिव कौन होना चाहिए, एक्टिव मतलब कोई भी काम करने में ऐसा नहीं कि सामान आ गया और मतलब आराम से बैठे हुए हैं, या कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम आया उसके प्रति मतलब कोई भी रिस्पांस नहीं करना, तो उस तरह का नहीं होता है। जैसे ही कोई स्कीम आता है मार्केट में तो उसे जल्दी से ग्रैब करना चाहिए। ये एक अच्छे एंटरप्रेन्योर का करेक्टर होता है या प्रोफाइल बोलेंगे उसको। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, उन्हें पहले से पर्पस होना चाहिए कि हाँ मुझे इस साल बिजनेस में क्या करना है, अपनी कितनी पहुंच बनाना है। एंड नॉट पैसिव नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन एंड डिपेंडेंट पर्सन नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन, ये क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देने का है, जो एंटरप्रेन्योर है मोटिवेशन ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड से, और मूवर होता है जिससे आया है, जिसका मीन्स होता है टू मूव। इसके बाद डिराइव फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मोटिव, जो कि डिराइव है किससे, इंग्लिश वर्ड मोटिव से। मोटिव इज एन इनर स्टेट ऑफ और माइंड दैट मूव और एक्टिवेट और डायरेक्ट और बिहेवियर टुवर्ड योर गोल। तो यहाँ पे हम लोग मोटिवेशन का प्रोसेस देख रहे हैं, तो मोटिव होता है, उसके बाद गोल, उसके बाद बिहेवियर होता है। अब यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल यहाँ पे देख रहे हैं, मैस्लो नीड हायरार्की है, और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल नीड है फर्स्ट, यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि सबसे नीचे में है, यहाँ पे है साइकोलॉजिकल नीड, और इसको दीज नीड और ऑफ द लोएस्ट ऑर्डर, ये सबसे नीचे में है, यहाँ पे देख रहे हैं लोएस्ट ऑर्डर में आता है। एंड मोस्ट बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बींग, ये किसी भी ह्यूमन बींग का मोस्ट बेसिक नीड होता है। यहाँ पे एग्जांपल जैसे रोटी देख रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल नीड है, कोई भी भूखा एक भी दिन नहीं रह सकता है। उसके बाद पेट भर गया तो अब देखते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, घर में अक्सर लोग रहना चाहते हैं सेफ्टी से, और मतलब देखते होंगे कैमरा वगैरह सीसीटीवी ये सब लगा करके रखते हैं। तो सेकंड पे यहाँ पे देख रहे हैं, द सेकंड लेवल ऑफ नीड इन मास्लो हायरार्की इज इमर्जेंस ऑन फिजियोलॉजिकल नीड और मीट। सेकंड किस पे बेसिस है, फिजियोलॉजिकल के बेसिस पे है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सोशल नीड, सोशल नीड में क्या होता है, नीड देयर फॉर रेफर्स टू बिलोंगनेस और एफिलेशन डिफाइंड एज ए डिजायर टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन फ्रेंडली एंड वार्म रिलेशनशिप विद द अदर।
तो अब इसका सोसाइटी में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, इसका जो थर्ड मोटिव होगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इस्टीम नीड, दिस नीड रेफर्स टू सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। अब ये चाहेंगे कि अच्छे से सब जो हो गया तो इसको अच्छा रिस्पेक्ट मिले। दिस इंक्लूडेड सच नीड दैट इंडिकेट सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीवमेंट नॉलेज इंडिपेंडेंस। फिफ्थ पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, द फाइनल स्टेप टुवर्ड द नीड हायरार्की मॉडल इज द नीड फॉर एक्चुअलाइजेशन, दीज आर द सेल्फ फुलफिलमेंट। उसके बाद एमसी के लार्ड नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी, यहाँ पर दिया है नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। तो ये एक अच्छे से एक बार इसको देख लेते हैं, जो ट्रायंगल दिया गया है मैस्लो नीड हायरार्की के द्वारा। तो सबसे ऊपर में देख रहे हैं क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसके नीचे स्ट्रीम है, सोशल है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, सबसे नीचे है साइकोलॉजिकल।